आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशियालोक न्यूज। प्रखंड मुख्यालय सभागार में जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार द्वारा 12 दिसंबर को होने वाले अंतिम चरण चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों एवं प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन के दिन होने वाले चुनाव को लेकर समीक्षात्मक एवं उस दिन के कार्यकलापों के बारे में विशेष निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम केडी प्रज्वल, डीडीसी मनोज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम, अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार अमरेंद्र, एसडीपीओ आदित्य कुमार, प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी रघुनंदन आनंद सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी द्वारा दी गई। बैठक के दौरान 318 बूथों का सेक्टर पदाधिकारी से बेरा जायजा लिया गया, साथ ही संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को अंतिम चरण मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें कल से बूथों में पोलिंग पार्टी सहित सभी कर्मियों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने चुनाव निष्पक्ष एवं शांति वातावरण में करवाया जाएगा ये भी बताया, जिसमें सभी सेक्टर पदाधिकारी मजिस्ट्रेट सहित सभी पदाधिकारी मतदान के दिन मौजूद रहेंगे। प्रखंड में पंचायत निर्वाचन का आखिरी चरण है जिले का, और इसमें कुल 318 बूथों पे 12 तारीख को मतदान का कार्य किया जाएगा, संपन्न होगा, और उसके लिए सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल पोलिंग पार्टी का डिस्पैच और परसों पीसीसीपी का डिस्पैच किया जाएगा। सभी जगह विधि व्यवस्था संधान के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनिधि की गई है। चुनाव का ये जो अंतिम चरण है, शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से संपन्न हो जाए, ये हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशियालोक न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशियालोक न्यूज। बिहार के पूर्णिया कप्तान पारा में एक निजी क्लिनिक में लगातार दलालों के शिकार मरीज जीवन निधि हॉस्पिटल में दम तोड़ रहे हैं। विजुअल में देख सकते हैं, गले में गमछी लगाकर परिजन पकड़े हुए हैं। बस सुनील कुमार मुख्य सरगना है। जीवन निधि अस्पताल में पहले भी कई मरीजों की मौत लापरवाही से हो चुकी है। सुनील कुमार पहले भी जेल जा चुका है। सुनील कुमार पहले सदर अस्पताल में एम्बुलेंस से मरीज उठाया करता था, अब बहला फुसला कर